हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बात कर लिया है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में डिटेल बात कर ली है, और एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में डिटेल बात कर ली है। वहां पे जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में और पीरियोडिक टेबल में के बारे में डिटेल बात कर ली। आज हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेटल और नॉन मेटल में। पहली बात तो मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स वे एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था कि कुल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कुल धातुएं कितनी हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो है 118। ठीक है, 118 धातुएं पीरियोडिक टेबल में है, जिनमें से जो मेटल है वो मेटल की संख्या कितनी है दोस्तों, 91, और नॉन मेटल जो होंगे ये मेटल है और नॉन मेटल की जो संख्या है वो है 20। ठीक है, और बचे कितने हैं इसमें से, तो 7 जो होंगे वो मेटलॉइड होंगे। मेटलॉइड मींस क्या होगा दोस्तों, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड मींस क्या होता है, उपधातुएं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपधातुएं। ये जो चैप्टर है किसके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है, ये सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जितने भी वनडे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुल पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से जो मेटल्स हैं वो 91 है, नॉन मेटल की संख्या कितनी है 20 है, और मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मेटलॉइड्स ही मेटल और नॉन मेटल को क्या करता है, हम डिवाइड करता है। मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में के मेटल में है, मेटल है, और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फिर मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी आज फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो मेटल्स वे तत्व होते हैं, वे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो एलिमेंट विच हैव टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक, और फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन ये क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं डोनेट करके पॉजिटिव आयन देते हैं, धनायन देते हैं। ठीक, हिंदी में इनको धनायन बोलते हैं, ये पॉजिटिव आयन देते हैं, ये निगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 20, इनकी कुल संख्या 91, और मेटलॉइड जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी दोस्तों, तो वो होती है 7। ठीक है, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यही पे बात करेंगे, और इनका एक्सेप्शन याद रखना है। तो जो पॉइंट हम बताएंगे कि इम्पोर्टेंट है वे ज्यादा नोट करिए। अब देखिए, फिजिकल स्टेट, जो मेटल का फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट मीन्स भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था जो मेटल होते हैं इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों, तो मेटल जो होते हैं ये, इनकी जो भौतिक अवस्था होती है ये सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, तो मेटल जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, जबकि एक्सेप्शन इसका क्या है, इसका जो अपवाद है मेटल्स का, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद। अब अपवाद में याद रखना है, जितने भी मेटल्स हैं वे क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी, भौतिक अवस्था कैसी होगी, सॉलिड। लेकिन एक मेटल है जो लिक्विड में होता है, वो है HG। HG मीन्स क्या होता है दोस्तों, मरकरी। मरकरी, ठीक है, केवल मरकरी है जो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वे क्या होते हैं, सॉलिड अवस्था में। ठीक है, बाकी जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड अवस्था में। तो एक ऐसा तत्व जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वे क्या होता है, मरकरी। ठीक है, एक ऐसा धातु जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है वो मरकरी है, बाकी सारे मेटल, बाकी सारे धातुएं क्या होती है, सॉलिड होती है।
अब नॉन मेटल की बात करें तो जो नॉन मेटल होती है इनकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट होती है, वे कैसे होते हैं? जो नॉन मेटल हैं इनकी जो फिजिकल अवस्था होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड्स लिक्विड भी होते हैं और गैस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के फॉर्म में पाए जाते हैं नॉन मेटल। तो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड की बात करें तो जैसे हो गया ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया और हो गया क्या डायमंड। डायमंड सबसे सॉलिड है, ठीक है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है पूरे एलिमेंट में, तो वो है डायमंड। और डायमंड किसमें है? नॉन मेटल। किसका अपरूपक है? तो कार्बन का अपरूपक है डायमंड। ठीक है, और लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड की बात करें तो नॉन मेटल में ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड है और नॉन मेटल है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड है और नॉन मेटल है कौन सा है? ब्रोमीन है। एक ऐसा एलिमेंट जो क्या है लिक्विड है और मेटल है वो क्या होगा? मरकरी। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। जो नॉन मेटल है तो है सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अधिकतर लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन ग्रेफाइट और हमारा क्या है ये डायमंड, ये तीनों क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए। दूसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? डेंसिटी होती है प्रति वॉल्यूम में कितना क्या है मास है। ठीक है, प्रति वॉल्यूम में कितना मास है वो क्या होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इनकी जो होती है मेटल्स की क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी मेटल्स की क्या होती है दोस्तों? हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? लो होती है। ठीक है, नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? हाई होती है। और बात करें इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन याद रखना है अपवाद। अब अपवाद ही उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हैं वे क्या होते हैं? उनकी डेंसिटी हाई होती है। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। जैसे है जैसे जैसे है पोटेशियम, लिथियम, लिथियम पोटेशियम और सोडियम। लिथियम पोटेशियम और सोडियम इनकी क्या होती है? डेंसिटी लो होती है। ये पानी पे भी तैर सकते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है। किसकी? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है। बाकी जितने भी मेटल हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, और ये इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि लिथियम एक ऐसा तत्व है जो क्या है? सबसे हल्का मेटल है। तो सबसे लाइट मेटल कौन सा है? लिथियम। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इनकी रिएक्टिविटी क्रिया करने की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जितने भी मेटल हैं सबसे अधिक जो रिएक्टिव होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, और सबसे हल्का मेटल क्या है? लिथियम है। इनको इनकी रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इनको लिथियम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि इनकी जो होती है रिएक्टिविटी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, इसके बाद इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि ये क्या होते हैं? इनकी डेंसिटी लो होती है। लिथियम सोडियम पोटेशियम बाकी जितने भी मेटल हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? हाई होती है। इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नाइफ से इनको काटा जा सकता है। नाइफ से चाकू से किस मेटल को काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। तो तीन क्वेश्चन इनसे याद रखा। सबसे हल्का मेटल लिथियम, सबसे क्या है हाईली रिएक्टिविटी क्या होती है? किसकी होती है? किस तत्व की? इन तीनों की होती है और इन तीनों में सबसे ज्यादा पोटेशियम की होती है। ठीक है, इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन इनसे याद रखना है। नेक्स्ट है, और जो डेंसिटी किसकी लो होती है? जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? लो होती है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन ही हमको याद रखना है। इसका एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है इसका? कि
इनकी डेंसिटी तो लो होती है, लेकिन जो डायमंड है डायमंड की डेंसिटी क्या होती है, डायमंड को छोड़कर डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, हाई होती है। डायमंड की डेंसिटी हाई होती है, बाकी जितने भी नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, लो होती है। इसके बाद हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक और गलनांक, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब इसमें भी अपवाद याद रखना है, अपवाद ही से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मेटल और मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। इसका एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, इसका एक्सेप्शन है कि जो मरकरी होता है, जो मरकरी है ये क्या था, ऑलरेडी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, मरकरी, मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। और साथ में जो गैलियम है, गैलियम के भी, गैलियम, गैलियम की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट लो और मरकरी की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक। तो ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है मरकरी, जबकि गैलियम क्या अगर हैंड पे रख दिया जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो शरीर के कुछ गर्माहट के कारण लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे ये गैलियम क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है ये क्या होती है दोस्तों, लो होती है। इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इसकी नॉन मेटल की, नॉन मेटल की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्शन क्या है, जो डायमंड है, डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड, डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है, हाई होता है। डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, हाई होता है, और लगभग कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड क्या होता है, पिघलता है, ठीक है। तो डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। लेकिन एक्सेप्शन में डायमंड की याद रखनी है, डायमंड की क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इसमें क्या है, गैलियम में इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना है मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही क्या किसमें होता है, लिक्विड में होता है। साथ में गैलियम की भी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। गैलियम और सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सीजियम, सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक। सीजियम से कम 29 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम पिघलता है और 30 डिग्री सेल्सियस पे सीजियम पिघलता है, ठीक। नेक्स्ट है लस्टर, लस्टर मीन्स होता है दोस्तों चमक, लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। तो किसकी चमक क्या होती है, अधिक होती है, और किसकी चमक क्या होती है, लो होती है। तो जो क्या है मेटल्स हैं, जो मेटल्स हैं इनकी क्या होती है, इनमें हाईली क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, इनमें पॉलिश करने पे ये चमकने लगते हैं, ठीक है, पॉलिश करने पे ये चमकने लगते हैं। तो जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, लस्टर, शाइनिंग, शाइनिंग का गुण होता है इसमें, ये चमकते हैं, ठीक है, ये चमकते हैं। और ये जो नॉन मेटल हैं ये क्या होती है, इनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक। तो शाइनिंग की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, लस्टर का गुण इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन क्या है इसका, तो एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन है इसका जो आयोडीन है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होती है लस्टर, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मीन्स इसमें चमक क्या होती है, पाई जाती है। तो एक ऐसे नॉन मेटल जिसमें चमक पाई जाती है वो क्या है, आयोडीन और ग्रेफाइट। बाकी जितने भी मेटल हैं वो क्या होते हैं, इनमें चमक नहीं पाई जाती, ठीक। नेक्स्ट जो है मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीता,
आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता क्या होता है दोस्तों कि इनको अब किसी भी मेटल को अगर पीटने पे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट, सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, पीटने पे वे सीट में बदल दिए जाए तो उसी को बोलते हैं क्या, आघात वर्धनीयता या मेलिबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी टू विच मेटल्स कैन बी या फिर ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट्स कॉल्ड मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी जो जितने भी मेटल हैं इनकी मेलिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इनकी मेलिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, हाई मेलिबल होते हैं, इनको पीटने पे ये क्या होते हैं, आसानी से सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन 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 अपवाद याद रखना है, अपवाद इसका क्या है कि जो है ये मरकरी, मरकरी तो लिक्विड में है तो इसको पीट के कैसे सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मरकरी इसका अपवाद है। और साथ में जो सोडियम पोटेशियम और लिथियम होते हैं इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये पनीर के टाइप में होते हैं, इसलिए इनकी भी क्या होती है, ये भी इनकी मेलिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, लो होती है, ठीक है। मेलिबिलिटी भी इनकी, इनको सीट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। साथ में जो जिंक है, जिंक को भी मेलिबल नहीं होता, जिंक भी 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर ही क्या होता है, वे मेलिबल होता है, ठीक है। साथ में तो यहाँ पे अपवाद याद रखना है, अपवाद, अब अपवाद में जैसे जिंक है, जिंक को पहले गर्म करेंगे, अगर रूम टेम्परेचर पे इसको पीटेंगे तो ये ब्रिटल होता है, टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको पहले 100 से 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, तब पीटेंगे, तब क्या होगा, ये सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो जिंक अपवाद याद रखना है, मरकरी भी क्या है, ये मेलिबल नहीं होता, ठीक। और साथ में जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, ये भी क्या होते हैं, मेलिबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नॉन मेटल जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। इनको सीट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इनको सीट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो मेलिबिलिटी का गुण केवल इसमें धातुओं में पाया जाता है, ठीक है। अधातुएं जो होती हैं, मेलिबल का गुण इसमें नहीं पाया जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है दोस्तों, डक्टिलिटी है प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर खींच के हम तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, उतनी हाई होती है। तो जितने भी मेटल होते हैं तो डक्टिलिटी याद रखना है कि एलिमेंट का वह गुण जिससे उसको खींच के तार के रूप में बदला जा सके, वही क्या होता है, डक्टिलिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता, क्या बोलते हैं, तन्यता, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता, किसी एलिमेंट का वह गुण जिसको खींच के तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये याद रखना है, सबसे हाईली मेलिएबल तत्व, तो सबसे हाईली मेलिएबल तत्व होता है गोल्ड, क्या होता है दोस्तों, गोल्ड, ठीक है। सबसे हाईली मेलिएबल तत्व क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। और जिंक क्या है, क्वाद है, ये क्या है, मेटल है, लेकिन मेलिएबल नहीं होता, ठीक। और जो नॉन मेटल होते हैं उनमें मेलिबिलिटी की गुण नहीं पाई जाती है। डक्टिलिटी किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिससे उसे तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, वह क्या होता है, डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है। और सबसे हाईली डक्टिलिटी इनमें क्या होता है, ये हाईली डक्टिलिटी होती है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ये हाईली डक्टाइल होते हैं, और सबसे अधिक जो मैलिएबल डक्टिलिटी होगी वो गोल्ड की होगी, ठीक, गोल्ड की सबसे अधिक। उसके बाद जो होती है वे होती है सिल्वर, ठीक, सिल्वर, फिर एल्युमिनियम, ठीक है। इनको तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसको,
अब देखिए यहाँ पे गोल्ड की क्या है, सबसे ज्यादा हाईली डक्टाइल है, इसलिए अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को लें, 1 ग्राम गोल्ड को लें तो लगभग हम 2 किलोमीटर दूरी तक तार खींच सकते हैं, ठीक है, इतना ये डक्टाइल होता है, ठीक। तो 1 ग्राम अगर गोल्ड को लेंगे तो 2 किलोमीटर दूरी तक तार खींच सकते हैं। तो सबसे हाईली डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड है, गोल्ड के बाद क्या होगा, सिल्वर होगा, ठीक है। और जो जिंक है ये डक्टिलिटी इसकी भी नहीं होती, क्योंकि अगर इसको ये ब्रिटल होता है रूम टेम्परेचर पे, इसको पीटेंगे या फिर खींचेंगे तो टूट जाएगा, पहले इसको गर्म करना पड़ेगा जिंक को, तब ये क्या होगा, मरेगा। तो यहाँ पे इसका मरकरी भी क्या है, डक्टाइल नहीं हो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक। उसके बाद जो नॉन मेटल होते हैं जिनकी डक्टिलिटी क्या होती है, नहीं होती, ये डक्टाइल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं, इनको पीटने पे ये क्या होते हैं, टूट टूट के पीसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है ब्रिटलनेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मीन्स होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भंगुरता, भंगुरता। तो किसी एलिमेंट का वह गुण जिससे उसको पीटने पे वो पीसेस के रूप में टूट जाए, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पे हम एक हथौड़ा मारे तो वो टूट टूट कर चूर हो जाए, ठीक। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, किसी एलिमेंट का वह गुण जिसे उसको पीटने पे वो क्या हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए, ठीक है, वही क्या होता है ब्रिटलनेस। तो मेटल क्या होते हैं, ये नॉन ब्रिटलनेस होते हैं, इनमें ब्रिटलनेस नहीं पाई जाती, ये क्या होते हैं, डक्टाइल और मलिएबल होते हैं, जबकि जो क्या है नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रिटलनेस होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल है ये ब्रिटलनेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हार्डनेस, हार्डनेस को हिंदी बोलते हैं कठोरता, क्या होता है दोस्तों, कठोरता। अब कठोरता किसी धातु का वह गुण, किसी एलिमेंट का वह गुण, ठीक है, किसी एलिमेंट का वह गुण, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो एलिमेंट का वह गुण जिससे उस पर अगर खरोचा जाए, ठीक है, उस पर खरोचा जाए तो वो क्या हो, उस खरोचने का विरोध करे, ठीक, वो आसानी से क्या हो न खुरचे, तो वो क्या होता है, उसकी हार्डनेस उतनी ही अच्छी होती है, ठीक। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में इसको भी याद रखना है, एक्सेप्शन ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो डायमंड होगा, डायमंड डायमंड, ठीक, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। डायमंड सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर अपरूपक है कार्बन का, ठीक है। तो डायमंड क्या है, सबसे नॉन मेटल है लेकिन सबसे कठोर होता है, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वे कठोरता में अधिक होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ याद रखना, डायमंड क्या होता है, कठोर होता है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, मेटल में जितने भी होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन 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 क्या याद रखना है, जो HG है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, इनकी कठोरता भी क्या होती है दोस्तों, कम होती, इनकी कठोरता क्या होती है दोस्तों, कम होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसमें होता है, तो ये क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है, आसानी से प्रवाहित की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा आसानी से किसमें प्रवाहित होती है, तो मेटल्स में, तो जितने भी मेटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। सबसे अधिक हाईली इलेक्ट्रिसिटी, हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो मेटल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो सबसे हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या किसका होता है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो होता है सिल्वर, Ag, ठीक है, जिसको चांदी भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये तार के, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन तार के रूप में इसलिए नहीं यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है हाईली, इसकी कास्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। नेक्स्ट है जो नॉन मेटल होते हैं वे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं,
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद याद रखना है। अपवाद इसका क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या होते हैं, अधातुएं क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या है, जो ग्रेफाइट है तो एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक ऐसा अधातु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वे है ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो एक ऐसा नॉन एलिमेंट अधातु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक है, बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं, जितने भी अधातुएं हैं, वे विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। जबकि एजी, जितने भी मेटल हैं, वे विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। एजी क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है, किसका, विद्युत का। नेक्स्ट है जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वे है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स होता है उष्मा। ठीक है, थर्मल मीन्स होता है उष्मा। तो ये जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट के, हीट के ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जो मेटल है ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टर इस, ये क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, अच्छी होती है मेटल की। जबकि नॉन मेटल में इनमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी लो होती है। इनमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, लो होती है। लेकिन अपवाद में वही ग्रेफाइट है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, और डायमंड है थर्मल, सॉरी ग्रेफाइट है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। ये चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए क्या है, क्योंकि बायोलॉजिकल हमने यूज किया है तो टेंथ क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है उतना, क्योंकि टेंथ क्लास में ये सब क्या है, टेंथ क्लास के ही है, साथ में ग्रुप डी चाहे कोई भी वन डे एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।